इंदौर की रिटायर्ड सीएसपी घरेलू हिंसा की शिकार हो गई है। उनको उनकी एसआई बहू श्रद्धा परिहार और उसकी बहन ने जमकर पीटा है। बहू की पिटाई से गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड सीएसपी प्रभा चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मैं अपने घर पे एसपी पावन धाम पे सो रही थी, फोन बजे 12:30 बजे करीब, फोन बजे करीब मेरी बहू ने दरवाजा खटखटाया, मेरे पति ने दरवाजा खोला तो उसकी माँ ने आके मेरे को उठाया कि आपको उठो, तो मैं उठ के बैठ गई। तो जैसे ही मैं उठी तो मेरी बहू आके मेरे से बोलती है, हरामजादी तूने मेरी है ना जिंदगी खराब कर दी, मैं तेरे को देखती हूँ। और उसने मेरे को लात मूसों से मारना चालू कर दिया, उसकी माँ और बहन दोनों तीनों बहन ने, और उसके बाद है ना ये काटना चालू कर दिया। मैं उसके बाद जैसे तैसे बच के मैं बाहर आई, डायल 100 को फोन करा, मेरी बेटी अंदर रूम में थी, प्रेगनेंसी में थी, वो प्रेगनेंट है, तो उसको जाके है ना उसकी छोटी बहन और मेरी बहू ने खूब मारा। सिंह पवार, श्रद्धा सिंह पवार बारकंगा थाने में पदस्थ है, और है ना पूजा परिहार पटवारी है, और उसकी माँ का नाम है मधु परिहार। वहीं बताया जा रहा है कि प्रभा चौहान की बहू बाणगंगा थाने में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। उधर आरोपी बहू श्रद्धा का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। उन्होंने कहा था कि आपके द्वारा मारपीट गई है, तो आरोप गलत है? पूरी तरह से गलत आरोप है। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऐसे दोनों हाथों से बाल खींच रखे थे, तो बस मेरी मम्मी और वो वाली मम्मा दोनों लोग छुड़ा रहे थे। इस बीच उनको कहीं चोट लगी हो तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने हाथ से कभी नहीं मारा, मैं क्यों करूँगी ऐसे। और अगर मैं कर रही हूँ तो मेरी शादी को आज 60 साल होने वाले हैं। मम्मा भी डिपार्टमेंट की, मम्मा इतनी बार डिपार्टमेंट में आई, सारा डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो मेरी हमेशा बहुत तारीफ करती थी, तो अगर मेरे में कुछ भी प्रॉब्लम थी तो वो कभी पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने, वो तो हमेशा मेरे डिपार्टमेंट में आके सबसे तारीफ करती थी। सिर्फ कल इस वजह से कि मैंने 100 नंबर बुला लिया, और मैं इस जिद पे अड़ी हुई थी कि मेरे हस्बैंड को मुझे थाने भिजवाना है, इस जिद पे उन्होंने मेरी सारी झूठी शिकायतें की है। अभी उच्च अधिकारी को आपने अवगत कराया पूरे मामले से? जी, मुझे अभी एसएसपी मैम ने बुलाया था, मैंने उनको सब कुछ बताया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित रिटायर्ड सीएसपी प्रभा चौहान की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा कि सास झूठ बोल रही है या बहू। इंदौर से न्यूज के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।